हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जो कि है व्हाट बिकम्स ऑफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं तो सेंटेंसेस में व्हाट बिकम ऑफ का यूज कब और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट बिकम ऑफ का यूज हमें कब करना है। तो जब भी सेंटेंस में का क्या होगा, अर्थात किसी भी एक नाउन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा या क्या हुआ, इसके लिए हमें व्हाट बिकम ऑफ का यूज करना होता है। व्हाट बिकम ऑफ, इसमें ये बिकम जो है इसका फॉर्म चेंज भी हो सकता है, और इसके पहले अगर फ्यूचर टेंस का है तो बिकम के पहले हेल्पिंग वर्ब विल भी आ सकता है, व्हाट विल बिकम ऑफ। अगर पास्ट में है तो व्हाट बिकेम ऑफ, और अगर प्रेजेंट में है तो व्हाट बिकम्स ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपके डेली लाइफ कन्वर्सेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें किसी एक नाउन या किसी भी एक प्रोनाउन का क्या होगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इस बारे में बात हुई हो। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि यदि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। ये सेंटेंस फ्यूचर में है तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमें विल का यूज करना होगा, व्हाट विल, और इसके बाद हम यहाँ पे बिकम का यूज करेंगे, व्हाट विल बिकम। अब हमें यहाँ पे बिकम के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है ऑफ लगा के। तो ऑफ किसका क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का, योर चिल्ड्रेन। व्हाट विल बिकम ऑफ योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अब इसके बाद यदि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, अर्थात इफ यू डिवोर्स योर वाइफ, इफ यू डिवोर्स योर वाइफ, यदि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे। अगर हमारे दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो हमारा जो मेन क्लॉज होता है उसको हम फ्यूचर में लिखते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर बनाया कि व्हाट विल बिकम ऑफ योर चिल्ड्रेन, ये हमारा जो मेन क्लॉज था इसको हमने लिखा व्हाट विल बिकम ऑफ योर चिल्ड्रेन फ्यूचर टेंस में, और जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है इफ यू डिवोर्स योर वाइफ, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से लिखा है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले बनाना है कि मेरा क्या होगा, अर्थात व्हाट, ये भी फ्यूचर में है तो यहाँ पे हम व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा इफ यू फॉरसेक मी, साथ छोड़ने के लिए फॉरसेक का यूज करते हैं, इफ यू फॉरसेक मी, तो यदि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। इसके लिए हमने ट्रांसलेट किया कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी इफ यू फॉरसेक मी। अब इस तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति का क्या हुआ। तो सबसे पहले उसकी संपत्ति का क्या हुआ, ये सेंटेंस हमें बनाना है, और ये पास्ट टेंस में है तो व्हाट बिकेम, यहाँ पे बिकम का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, व्हाट बिकेम ऑफ हिज, अब किसका क्या हुआ, उसकी संपत्ति का, तो व्हाट बिकेम ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति का क्या हुआ, व्हाट बिकेम ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब उसके मरने के बाद आफ्टर ही हैड डाइड। तो जब भी दो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं और उसमें बाद आया होता है तो हम क्या करते हैं, पहला जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट के रूप से, और जो आफ्टर वाला क्लॉज होता है उसको, उसमें हमें हेड का यूज करना होता है। अब हमारा लास्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स कि तुम्हारी बहन की शादी के लिए मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उसका क्या हुआ। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि उन पैसों का क्या हुआ, ये भी पास्ट में है तो फिर व्हाट बिकेम ऑफ द मनी, उन पैसों का क्या हुआ, What became of the money? उन पैसों का क्या हुआ? अब जो मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी के लिए दिए थे, यानी कि which I gave you, जो मैंने तुम्हें दिए थे, इसलिए तुम्हारी बहन की शादी के लिए for your sister's wedding,
for your sister's wedding. You have to marry. तो ये हमारा सेंटेंस था फ्रेंड्स कि तुम्हारी बहन की शादी के लिए मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उसका क्या हुआ. इसको हमने ट्रांसलेट किया कि व्हाट बिकेम ऑफ द मनी व्हिच आई गेव यू फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये व्हाट बिकम ऑफ का यूज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप कोशिश करिए कि इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा हिंदी सेंटेंसेस को बनाए और फिर इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताए. Oh, 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 oh